जय जय श्री राम। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। दैनिक पंचांग में आपका स्वागत है। आज है 19 जून 2022। दिन है आज भगवान भास्कर का दिवस, रविवार। आज के दिन भगवान सूर्य को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गुड़ और लाल पुष्प डालकर अर्घ देना चाहिए। इससे आयु बढ़ती है और कीर्ति भी। अभी चल रहा है हम सनातनी हिंदुओं का विक्रम संवत 2079 और मास चल रहा है ज्येष्ठ मास। सूर्य भगवान अभी उत्तरायण है। ऋतु चल रही है ग्रीष्म और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि है आज षष्ठी और षष्ठी तिथि के स्वामी कार्तिकेय जी हैं। आज के दिन यानी कि आज की तिथि में कट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। यह तिथि समस्त शुभ कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। आज दिन में शतभिषा नक्षत्र अस्तित्वमान रहेगा और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी वरुण देव जी हैं। आज अपराह्न 2:45 तक वैधृति योग रहेगा, उसके बाद विश्वकुंभ योग प्रारंभ हो जाएगा। आज दिन में 2 करण रहेंगे। गरज करण प्रातः 11:15 तक रहेगा और उसके बाद वणिज करण अस्तित्वमान हो जाएगा सारे दिन के लिए। आइए नज़र डालते हैं आज दिन में अच्छे मुहूर्त कौन कौन से हैं। अभिजीत मुहूर्त आज 11:55 से 12:50 तक। अमृत काल है आज रात्रि 10:00 से 11:30 तक। अब देख लीजिए अशुभ काल आज क्या क्या है, अशुभ समय कौन सा है आज दिन में। राहु काल है आज संध्या के समय 5:37 से 7:22 तक। गुलिक काल है आज 3:52 से 5:37 तक। इसी तरह यमगंड आज अपराह्न 12:22 से 2:07 तक गतिमान रहेगा। एक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त और है आज, अशुभ नहीं शुभ मुहूर्त, जिसे हम जानते हैं विजय मुहूर्त के नाम से। यह है आज अपराह्न 2:42 से प्रारंभ होकर 3:38 तक। दिशाशूल की बात कर लेते हैं। आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा न कीजिए। यदि जाना अत्यंत अनिवार्य हो तो घर से घी या पान खाकर ही बाहर निकलें। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका आज का दिवस शुभ रहे, आप प्रगतिमान रहें और आस्थावान भी रहें। माता मातृभूमि और माँ भवानी की यथासंभव सेवा करें, पूजा करें। जय जय श्री राम।